जो हमारा शोरूम है टोटली पूरा भर चुका है भाई गाड़ियों से। तो ले लो गाड़ियों का स्टॉक भर के हमारे पास। जो हमारे शोरूम में नई कार आई है गाइस, वो है ब्रेजा का न्यू मॉडल। शोरूम से पहली कार निकल चुकी है, ये देख रहे हो। गाड़ी में है एक दिक्कत जो कि ये है। दिक्कत ला रो आंटी जी, अभी गाड़ी अंदर जाएगी, आपको अच्छी तरह गाड़ियाँ दिखा देंगे। क्यों दिक्कत ले रहे हो, गाड़ियों का स्टॉक भर के हमारे पास, वो देख रहे हो गाड़ियाँ खड़ी हुई, आप दिक्कत ना लो। तो भाई रे कितना काम है शोरूम में। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग, होप करता हूं सब बढ़िया होंगे, मजे करेंगे। तो मैं आपका पहला जी में आ चुका आपसे पहले एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके। फिलहाल गाइस इतना काम है मेरा तो सर चकरा गया। पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो आप सबको पता है कि शोरूम के लिए हम लेके आ चुके हैं ब्रांड न्यू कार्स। और उसी में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक चीज बताने वाला, वो चीज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो। और आज के इस वीडियो को लाइक एम करते हैं 1000 लाइक, तो करना मत भूलना, देखो लाइक कर दो फटाफट। अब सीन ये बहुत भयंकर, जैसे कि आपको पता है कल हम लेके आए 4 गाड़ियां, और जब मैं शोरूम में आया और मैंने चेक करा सारा सिस्टम, तो भाई ये चारों की चार ही गाड़ी गाइस ऑलरेडी बुक्ड है। ये बुक थी जब ही यहाँ पे आई है, मुझे नहीं पता था, मैं तो वेयर हाउस भेज रहा था सारी की सारी गाड़ी। फिर मैंने उन कस्टमर से बात करी कि आपकी गाड़ियाँ आ चुकी है तो कल आएंगे, कल डिलीवरी होगी गाड़ी की, आज कोई सी नहीं हो रही। क्योंकि मैंने ही बोल दिया भाई आज नहीं कल आना, क्योंकि मेरे को इतना काम करना है गाइस यहाँ अंदर ही। पहली बात देखो, आपको तो पता है कि शोरूम हमारा इतने टाइम से बनता, तो यहाँ के लोग देखो सेठ की तरह बैठ गए शोरूम के आगे, गेट के आगे ओहो बेंच लगा के, देख रहे हो। तो यहाँ पे पहले पार्किंग हुआ करती थी, इसलिए पहला सिस्टम था, ठीक है। छोड़ो अब जो भी सीन था भाई, ये पार्किंग पुर्किंग का सिस्टम भी मैंने आपको बताया ना कि अब जितनी भी गाड़ी आएंगी मैं उनसे पैसे लूंगा पार्किंग के। तो ये देख लो कितनी गाड़ियाँ कम खड़ी है भाई यहाँ पे, मैंने कहा था चलते बनो भाई तुम, यहाँ फ्री की पार्किंग में हंस रहे सारे चोरे हो रहे थे। अब देखो सबसे पहले मुझे काम ये करना है, ये बेंच है गाइस ये हटवाना है, ठीक है। कहीं और लगवा देंगे इस बेंच को, और ये वाला बेंच भी हटेगा, और ये वाला बेंच थोड़ा सा साइड में हो जाएगा। सीन यही है, क्योंकि जो अपना वो है ना गाइस जिग्गू पटेल, उसकी खोपड़ी में तेरी फिलहाल मैंने उसे भेज दिया। अब आप पूछोगे कहाँ भेज दिया, क्योंकि सिमियन अंकल का हम ट्रक लेके आए थे जिसमें हमारी गाड़ियाँ लोड होके आई थी, ठीक है। तो सारी गाड़ी आप देख सकते हो वहाँ खड़ी है, मैं दिखाऊंगा अभी। हमें सारी गाड़ियों की टेस्ट भी करनी है कि कोई गाड़ी में कोई भी दिक्कत है डेंट है तो हम कंपनी को मैसेज करेंगे, फिर हमें नई गाड़ी मिलेगी, ठीक है। ये पूरा पूरा सीन है, क्योंकि कस्टमर को हम खराब गाड़ी नहीं दे सकते, ये सारा सिस्टम भी हमें करना पड़ता है भाई। क्योंकि आपको तो पता ही हमारा जब फरारी का शोरूम था, हमें पता है कैसे क्या क्या चीज़ें सारी सेट होनी है। अब देख सकते हो आंटी जी दिखा रहे, एक मिनट भी आई थी भाई गाड़ी दिखा दो, अब गाड़ी है ही नहीं शोरूम में, कौन सी दिखाऊँ, ब्रेजा ही दिखा दो भाई ने, ये गाड़ी अगर आपको कोई और चाहिए तो वो भी आ जाएगी। और मैंने इतना भी आप सबको कहा था गाइस कि हमारे शोरूम के लिए नई कार्स भी आने वाली है, बिल्कुल नई कार्स का ऑर्डर हो चुका, मतलब वहाँ से भेज दिया गया, डिस्पैच का मैसेज आ चुका है मेरे पास। देख लो कितने लोग थे शोरूम के बाहर ही खड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ बेंचेस हमने इतने लगवा रखे हैं, लोग आएंगे अंदर ये घूमते फिरते ही आ जाए भाई, गाड़ियाँ देख ले क्या पता पसंद ही आ जाए। इसीलिए अब देखो एक दो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होने वाली है, अंदर 4 गाड़ियाँ गाइस, ठीक है। तो लेट्स गो, अब फटाफट मैं बेंच हटवाता हूँ, जिग्गू आ जाए एक बार, फटाफट बेंच हटवाता हूँ और उसके बाद आपसे मिलूंगा, फिर सारी गाड़ियों को टेस्ट करेंगे हम, ठीक है। लेट्स गो, मस्त लग रही है हमारी सारी कार। तो गाइस जिग्गू आ चुका है, मैं आपको एक चीज बता दूं, चलिए कि आपको पता है कि हमारा जो शोरूम के आगे बेंच था, आई मां चढ़ जा, देखो ये बेंच था ये हटवा दे, ये वाला थोड़ा साइड करवा दे, ये वाला भी हमने साइड में करवा दिया और ये वाला भी करवा दिया। सारी गाड़ियों की अब टेस्ट ड्राइव होगी। आंटी को मैंने ब्रेजा दिखा दी, आंटी कह रही यार मुझे कोई सेडान कार चाहिए, मैंने कहा यार तो हमारे पास यही है, मैंने ये कहा अगर आप कहो तो हम मंगवा लेंगे। तो आंटी जी ने कहा ठीक है आप मंगवा लो गाड़ी, अब फिलहाल आंटी का पक्का नहीं है, तो कोई नहीं शोरूम में वो कार वैसे भी आने वाली है, आप समझ जाओ कि शोरूम में कौन सी कार आने वाली है गाइस, ठीक है। ठीक है सारा सिस्टम डन है, आजा भाई पहले गाड़ी चेक कर लेते हैं भाई। तो सारी कार्स मैं आपको चेक करके बताने वाला हूँ, हाँ इतना तो आपको मैंने बता दिया। जो हमारे शोरूम में नई कार आई है गाइस, वो है ब्रेजा का न्यू मॉडल, ठीक है। तो ये वाला लुक है, रेंज रोवर लुक होता है इस गाड़ी का पूरा, अगर कोई बंदा चाहे कस्टम हमसे करवाना तो हम वो भी करके देंगे गाइस, ये चीज हमने चालू कर दिया। लेट्स गो, ओके बैठ चुके हम गाड़ी के अंदर, स्टार्ट बिल्कुल स्मूथली हुई है गाड़ी, बैठ चुके भाई पीछे बैठ जाओ, ठीक है। सारा सिस्टम चेक है, एसी उसी तो सब कुछ चेक कर लिया जिग्गू ने, बस मेरे को चला के देखनी है, ये देख रहे हो, ये ओके लेट्स गो गाइस, गाड़ी पीछे ले रहे हैं अब हम, क्योंकि सारी गाड़ी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो शोरूम से पहली कार निकल चुकी है टेस्ट ड्राइव के लिए, ओ माय गॉड, होली होली चलाएंगे, नहीं नहीं भगाएंगे नहीं गाड़ी, क्योंकि कस्टमर की गाड़ी है। और ऊपर इसमें आपको ये छोटी सी सनरूफ देखने को मिल जाती है गाइस, आप देख सकते हो ये सनरूफ, इसको तो क्या ही खोलना, आपको तो पता यार सनरूफ कैसे खुले। लेट्स गो भूतनी के भूतनी, पावर दिखाऊंगा आंटी की अभी, देखना यहाँ मैंने रोक दी, आपको आगे हेडसअप डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है इस गाड़ी में, आप देखना 1 2 3 ये
देख लो पावर कहाँ जा रही गाड़ी, एकदम से भगे भगे जाए आगे से, जैसे कि गाड़ी उछल जाती है, और ब्रेक देख लो गाड़ी के ऐसे हैं। हमें सारी ये देखनी है कहीं कट कट कुट कुट कोई दिक्कत तो नहीं है। और नहीं यार, मैंने वैसे तो मोस्टली चेक कर लिया, बस चला के रहेगी थी। पावर दोबारा दिखाता हूँ, गाड़ी आगे से उछल जाएगी, इतनी रेस दी, इतनी तेज रेस दूंगा। ये देख रहे हो, ये जब होता है जब आप पूरी तेज पंजा दबा दो, ऐसा लगता है आपको गाड़ी उछल ही गई है। ये देखना सारा सिस्टम डन है। बाकी देखो कस्टमर की गाड़ी है, हम ऐसे और चीज़ें नहीं कर सकते, हमें हल्की हल्की टेस्ट ड्राइव लेनी पड़ती है गाड़ी की। हाँ कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई लाइट्स वगैरह तो नहीं आ गई, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है इस वाली गाड़ी में। और चीज़ें अच्छी तरह स्मूथली वर्क कर लिया गाइस, तो इस वाली गाड़ी को हम करेंगे अभी सबसे पहले शोरूम के अंदर खड़ी। अरे ये देखो ऐसे लोग होते ना, बिना इंडिकेटर के पार्किंग में लगा रहा भूतनी का। पहले तो आप सबको पता ही था सारे हमारे इधर ही पार्किंग लगा देते थे, अब देख रहे हो कितनी कम गाड़ियां खड़ी है हमारे इधर। ये देख रहे हो पैसा नहीं देना चाहता कोई गाइस, ये देख रहे हो इनकी तो भैंस की टैट में मारनी पड़ेगी मेरे लेट्स को। तो ये गाड़ी जा रही है हमारे शोरूम के अंदर। भैंस की यहाँ कितने गंदे हो भाई, यहाँ बंदे देख रहे हो आप। ये बेंच मैंने अभी हटवाया था, फिर बैठ गया बेंच लगा के, यहाँ साइड में नहीं बैठ सकते थे। अरे यार इनकी भूत नहीं के सिर पाड़ूंगा मैं इनका, रुक हाँ हाथ धोगी। तो लेट्स गो गाइस, अब बेंच हटवाए मैंने दोबारा से, इनकी तो ऐसी करनी पड़ेगी भाई, ये नहीं मानते बंदे। ओहो लेट्स गो, अंदर की साइड जाना गाइस गाड़ी लेके हमें, ठीक है। और ये एसयूवी टाइप में आ जाती है गाड़ी भाई, सही है, मतलब ऊंची अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी का देखने को मिल जाता है, ठीक है। ओके तो ये गाड़ी निकले, पहली बार मैं देखूंगा शोरूम में इतनी गाड़ी खड़ी हुई, चार की चार गाड़ी अंदर ही आएगी गाइस मैं आपको बता दूं। तो लेट्स गो, इसको जो घुमाते हुए यहाँ खड़ी कर देते हैं, ठीक है। ओके ये तो एक गाड़ी शोरूम में खड़ी हो चुकी है, ठीक है। अभी तो और व्हीकल्स की भी टेस्ट ड्राइव लेनी है भाई, तो एक काम करता हूँ गाइस, मैं सारी गाड़ियों की एक बार टेस्ट ड्राइव ले लेता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। ये गाइस चार मतलब तीन गाड़ियाँ देखो हमने अंदर खड़ी कर दी, टोटल हमारी चार कार्स आई थी। पर हमारे साथ सारा काम इजीली हो जाए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, जैसे कि आप सबको भी पता है गड़बड़ हो चुकी है। वो गड़बड़ क्या है, मैंने देखो पहले गाड़ी नोटिस नहीं करी सही है, पहले अभी भी कर ली भाई कस्टमर को देने से पहले। गाड़ी में है एक दिक्कत जो कि ये है, देख रहे हो गाइस ये है दिक्कत गाड़ी में, बस ये दिक्कत जो है नीचे की साइड आप देख रहे हो, ये दिक्कत है गाड़ी में। और ये भी जिग्गू ने देख लिया भाई, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था। फिर मैंने कस्टमर मतलब कंपनी में बात करी जिन्होंने जिसकी तरफ से हमारी गाड़ियाँ आई है, तो उन्होंने हमारा ये बोला है कि भाई ये देखो हल्का सा ना आप कपड़ा भी मारोगे ना तो उससे साफ हो जाएगी, पर मैं अपनी तरफ से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैंने कहा भाई हमें नहीं पता, बताओ तुम क्या सीन करना है क्या नहीं। पर उन्होंने फिर टीम से बात करा, उन्होंने बोला ये इजीली रिमूव हो जाएगा, हल्का फुल्का ब्लैक सा है, अगर ये इजीली रिमूव नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि हम रिप्लेस करके दे देंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देख लो सारी चीज़ें इसलिए चेक करनी पड़ती है। एक गाड़ी में गाइस एक दिक्कत आ रही थी, दूसरी वाली जो गाड़ी थी उसमें दिक्कत आ रही थी, उसमें ये था कि टायर का जो प्रेशर वगैरह कुछ था दिक्कत वगैरह, हाँ तो वो सब इजीली ठीक हो गया, वो भी मैंने कस्टमर से बात करी, वो अच्छी तरह पिछले सेट नहीं करके दिया था उन्होंने। लेट्स गो, सारी चीज़ें ठीक है, अब इसमें ये दिक्कत आई है इसको चला के देख लेते हैं। और लेके चलते हो इससे सीधा सिमियन अंकल जी पे, क्योंकि वो वहाँ पे थोड़ा काम कूम कराते हैं गाड़ी का, तो देखते भाई वो क्लियर करवाते हैं इसे। वैसे तो वो बोल रहे कंपनी वाले कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि ये ठुकी है कहीं से, ये नहीं वो है, वो हल्का फुल्का किसी चीज़ का निशान लग चुका है, बाकी डेंट वगैरह तो कहीं नहीं है गाड़ी में गाइस मैं आपको बता दूं। तो डेंट वगैरह का कोई भी सीन नहीं है, ऐसे डेंट होता तो पूरी की पूरी गाड़ी भिजवा देता, क्योंकि हमें पता है कस्टमर हमारी छाती पे चढ़ जाता कि तुमने टूटी गाड़ी दे दी ये सब वो सब। बाकी देखो गाड़ी चलने में एक नंबर है, मैंने ब्रेजा चलाई जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, मैंने न्यू ब्रेजा चलाई, एक नंबर का मजा आ रहा भाई इसे चलाने में, कोई भी दिक्कत नहीं। देखना गाड़ी कैसे जा रही है, और ब्रेक लगाओ ब्रेक भी काफ़ी सही है, मतलब सारे सिस्टम इस गाड़ी के A1 है भाई। और इस गाड़ी को अगर कोई कस्टमर हमसे चाहे ना कि कस्टम करानी है ये है वो है, तो हम उसे बिल्कुल ऐसी रेंज रोवर वाली लुक करके दे देंगे भाई गाड़ी की, एक नंबर का मजा आएगा उस कस्टमर को भी। व्हाइट वाली का लुक तो रेंज रोवर पूरा आता ही आता है वैसे तो। तो लेट्स गो लेके चलते इस गाड़ी को और करवाते इसका सिस्टम। तो गाइस सिमियन अंकल जी की दुकान में हम आ चुके थे, सारा सिस्टम हो चुका है। अंकल जी ने एक चीज लगाया कपड़े में, और कपड़ा जैसे ही मारा पूरा सिस्टम ठीक हो गया, वो पूरा का पूरा देख लो। पहले तो ये देख लो कितनी भयंकर लगती है, ठीक है। ब्लैक वाली में ये दिक्कत आई भाई, सारी तो हमने देख ली थी वैसे अच्छी तरह। ये देख लो यहाँ था वो जो भी दिक्कत थी गाइस पूरी रिजोल्व हो चुकी है, ठीक है। कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पे कुछ लगा भी हुआ था। अब ऐसा भी नहीं कि हमने रिपेयर करा, नहीं भाई रिपेयर वाला सिस्टम होता तो गाइस हमें गाड़ी भिजवा देता उल्टी, पर रिपेयर वाला पंगा ही नहीं था, बस कपड़े से कपड़ा मारा और ठीक हो गया। अरे आंटी हट जा, हट जा, चल चल चल। बाकी गाड़ी की पावर तो आपको मैंने दिखाई दी, दोबारा दिखाता हूँ गाइस इस ब्रांड न्यू ब्रेजा की पावर। ये देख रहे हो उछल जाती गाड़ी एकदम से, जब स्पीड पकड़ती है भाई ऐसा लगता है कि गाड़ी आगे से उछल गई है पूरी की पूरी। ये सिस्टम है भाई गाड़ी का, ए नंबर वाली गाड़ी है, ठीक है। अंकल जी ने कहा एक बार पूरी अच्छी तरह इसको चला के भी देख ले, तो देख रहे हो मैं चला रहा हूँ इस गाड़ी को इस स्पीड में। अरे देख रहे हो और सही चल रही गाड़ी, ऐसी नहीं कि कोई दिक्कत हो। ओहो ये
तो लेट्स गो, लेके चलते हैं अब इस गाड़ी को दोबारा से शुरू। और मैं निकला तो गड्डी लेके। बाकी अपना जो पार्किंग वाला सिस्टम करा ना गाइस, उससे थोड़े बहुत पैसे तो अपन को मिल रहे हैं। जैसे कि ये वाली गाड़ी आई, आप देख रहे हो ये सामने जो गाड़ी है, ये पार्किंग में लगी है, तो हमें देखो पैसा मिलेगा। हमने एक घंटे के रखे यहाँ पे 20 रुपए, देख रहे हो। लेट्स गो, सही है भैया, पार्किंग लगाओ, हमें क्या ही। ये तो फाइनली अभी लास्ट गाड़ी भी गाइस शोरूम में चढ़ने वाली है। बाकी तो आप देख सकते हो सारा सिस्टम हो ही गया। अरे रिवर्स ले तो ज्यादा चिपक गई गाइस कोने से। लेट्स गो, अब मोड़ हुआ, अब देख लो कुछ हो जाए तो। ये देख लो गाइस, ये वाली गाड़ी भी हमारे शोरूम के अंदर जा रही है। ठीक है भाई, इसे भी खड़ी कर देते हैं। देख रहे हो तीन कार ऑलरेडी अंदर खड़ी है, ये लास्ट कार है गाइस। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा, यार ये भैंस की थोड़े गलत ले आया मैं मोड़ के भी। चलो चलो, रिवर्स लेनी पड़ेगी। चलो अब तो निकल जाएगी, नहीं यार टच हो जाएगी। देख रहे हो भाई, ये तो इतना सा गेट बनवा रखा, क्या ही बोलूं मैंने सिस्टम पर। चलो कोई दिखी, ऐसा क्यों होता है। ओ ये देख रहे हो, नहीं नहीं टच हो जाएगी, रहने देते गाइस। इतने क्लोज क्लोज से हमें बचा के निकालने पड़ती है गाड़ी। ये लो भाई, हमारे शोरूम में पहली बार आपको इतनी कार देखने को मिलेगी, 1 2 3 4, और ये चारों कार ऑलरेडी बुक है। कस्टमर आएंगे इनके लेने के लिए, कल एक डिलीवरी आपको देखने को मिल जाएगी। एक या दो तो बिल्कुल डन ही डन है, बाकी दो कस्टमर ने बोला फिक्स नहीं हमारा, कल आए नहीं तो परसों तरसों तो वो लेके ही चले जाएंगे। इतना सिस्टम डन है, और शोरूम में इतनी कार्स खड़ी होगी, एक जगह रहेगी, तो मैं सोच रहा हूँ फॉर्चुनर खड़ी करके देखते हैं अपनी भाई कि शोरूम जब पूरा भरा रहता है तो कैसा लगता है। ठीक है, और जितनी भी अपनी टॉप सेल कार होगी उस कार को हम ऊपर रखेंगे, या फिर जो नई लॉन्च कार होगी। ठीक है, ये सिस्टम है गाइस हमारा, ये फॉर्च्यूनर जाएगी भाई शोरूम के अंदर। एक तो ये झूठी भी तो है इतनी, ये देख रहे हो। ओके लेट्स गो, खुल जा टिमटिम। अरे खुल जा द्वार, खुल खुल गया ना, देख रहे हो, कल कोई दिक्कत दे जाता है, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको तो मैं गाइस पहले ही जानबूझ के इस साइड मोड़ के ले रहा हूँ, क्योंकि फॉर्च्यूनर है भाई ये, बहुत ऊंची लंबी गाड़ी झूठी है, देख रहे हो, यहीं से मोड़नी पड़ेगी जी। चलो जान देते हो, सेंसर अभी पी 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 नहीं कर रहे। ये लेट्स गो, देख रहे हो, ओ माय गॉड। अब सुजुकी के शोरूम में ये क्या टोयोटा क्यों घुसा रहा हूँ मैं, ये मत पूछना भाई, मेरी गाड़ी मेरा शोरूम कुछ घुसाऊँ मैं, मजाक कर रहा हूँ। ये मैं खड़े करके देख रहा हूँ कि क्या सिस्टम है, कि कैसी लगती है सारी गाड़ी जब खड़ी कर देते हैं शोरूम में। लेट्स गो भाई, ओ माय गॉड। तो गाइस हमारा शोरूम देख सकते हो आप, ये जो हमारा शोरूम है टोटली पूरा भर चुका है भाई गाड़ियों से। ओ रे मजा आ रहा है, पहली बार अपना शोरूम में इतना भरा हुआ देख रहा हूँ। अब जितनी मेरे को थोड़ी बहुत चीजें चेक करनी है अपने उसमें सिस्टम में गाइस, सारी चेक कर लेता हूँ। और अपनी पेमेंट के लिए भी मैंने मैसेज कर रखा है, अब पेमेंट देखते कब तक आएगी, नहीं तो मैं लेके आऊंगा। काफी लोग पूछ रहे गाइस कि तुम्हारा स्टाफ का है, स्टाफ का है, तो मैं आपको बता दूं हमें स्टाफ की अभी नीड नहीं है, हम खुद संभाल ले रहे हैं। लोड काफी ज्यादा पड़ जा रहा है, हर चीजों की ऑर्डर भी देने हैं, पेमेंट भी लेनी है, पेपर वेरीफाई भी करने हैं, बहुत चीजें हैं, पर कोई नहीं हम संभाल रहे हैं। एक आधा मित्र अपना एक और पकड़ लेंगे, और स्टाफ तो फिर बाद में, जैसे कि मैंने आपको कहा ना स्टाफ रख लूंगा तो खुद क्या पैसा बचेगा हमारा। तो ये देखो लिफ्ट भी ऊपर जाने के लिए, एक बार मैं आपको वैसे ही ले चलता हूं। ऊपर का सिस्टम तो आपने देख रखा है, फिलहाल जितनी भी सारी चीजें वो बंद ही रहेगी, जैसे कि स्टाफ का वो पूरा रूम था, ठीक है, वो सारा सिस्टम ही रहेगा। डिजायर वगैरह भी देखो यार मंगवानी है चीजें, ये बाथरूम अपना पूरा देखो, हम ही दो ही संभाल रहे हैं अभी तो पूरा का पूरा सिस्टम। ठीक है, ये देखो ये स्टाफ के लिए, और इधर हम एक गाड़ी खड़ी करेंगे। ठीक है, देखते जोन सी भी गाड़ी होगी, कौन सी गाड़ी यहाँ खड़ी करेगा एक बार बता देना, आप बताओ कमेंट में करके। ठीक है, अब ये देखो जितनी भी डील वगैरह होगी वो यहाँ पे भी डील होगी, तो इसलिए कस्टमर की इधर होनी चाहिए जगह खाली को छोड़ रखे, तो इधर फटाफट एक गाड़ी चढ़वानी पड़ेगी, और उस गाड़ी चढ़वाने के लिए बिल्कुल ऐसी तैसी होने वाली हमारी। क्यों, उसका रीजन मैं आपको बता दूं। फिलहाल आप सोचोगे कि भाई यहाँ गाड़ी लेके कैसे आओगे, वही तो मेन रीजन है पगलो, कि गाड़ी लेके कैसे आएंगे। ये सारा सिस्टम हटेगा, उधर से शीशे से गाड़ी आएगी तो मतलब बहुत भयंकर वाला सीन होने वाला, उस वीडियो में आपको एक नंबर का मजा आएगा, उसके लिए टाइम है फिलहाल। ठीक है, अब एक बार मैं बाहर से शोरूम की लुक देखना चाहता हूँ, जितने भी बंदे बाहर खड़े हैं उन्हें हमारा शोरूम कैसे दिखता है। देखो अरे भाई साहब आ जाओ गाड़ी देख लो, मतलब यहाँ पे ना बहुत बंदे आते रहते हैं ऑलरेडी वैसे भी। ठीक है, अरे चलो यार ये देख लो, ओ ये तो चलो एक बार शोरूम से बाहर निकलते हैं और बाहर से देखते हैं कि देखो इतने बंदे यहाँ जा रहे हैं, इन्हें पहले तो बोर्ड दिखेगा अक्सर सुजुकी मोटर्स, और अंदर इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है तो भाई मन तो करेगा इतना शोरूम अंदर जाने का ही। ठीक है, तो ये देख सकते हो हमारे शोरूम में, देख लो भाई कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। ओ ये नंबर का फील आ गया, मतलब सोचा नहीं था इतनी गाड़ियाँ खड़ी होगी, पर कल ही चली जाएगी सारी। होप करते हैं गाइस आप सबको हमारी आज की वीडियो में मजा आएगा। आंटी हमारे शोरूम के आगे बीड़ी पीना सख्त मना है, प्लीज कहीं और जाके पिए, हमारे शोरूम के आगे बीड़ी पीना सख्त मना है, समझ रही हो।
ये दिखा रही हो मेरे को हल्क जैसी हरी हरी आंखें। जाओ यार, मैं फिर देखो गाइस, आप सबको पता मैं पंगे पुंगे कर लेता हूं, फिर मेरा मन नहीं करता। जाओ जल्दी जाओ, चलो 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 चलो, घर जाओ। हां भीड़ी पी लो मेरे शोरूम जाके, बेइज्जती कर दो मेरे शोरूम की। तो ठीक है गाइस, होप करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो में मजा आएगा। मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कि आप सबको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलो फिर अगली।